हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल योगिताज गार्डनिंग। आज मैं आपको अपने वंडरिंग ज्यू प्लांट के बारे में बताऊंगी। ये देखिए, इसे मैंने इस तरह हैंगिंग बास्केट में लगाया हुआ है, हैंगिंग प्लांटर में, और ये देखिए कितने अच्छे से ये ग्रो हो रहा है। ये बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, बहुत हार्डी प्लांट है, और इसकी सक्सेस रेट तो मैं बोलूँगी 100 out of 100 है। ये देखिए, इसे लगाना बहुत ईजी है, आप इसे कटिंग से लगा सकते हैं। और अभी बारिश के मौसम में ये इस तरह इसकी जो नोड है उस पर देखिए ऐसे रूट्स निकल रही होती है, तो आप इसे अभी लगाना चाहते हैं इस समय तो ये बहुत इजी है। इसे आप कट कर करके ऐसे ऐसे लगाइए, और जहाँ ये इसकी रूट्स है उसे आप ज़मीन में मिट्टी में वाला पोर्शन आना चाहिए। बहुत इजी प्लांट है ये, बहुत सुंदर भी है। ये देखिए इस तरह से इसकी जो लीव्स होती है उस पर ये इस पर्पल शाइनी सा पोर्शन होता है, और बैक साइड में भी देखिए ऐसा पर्पल होता है। इसका जो पर्पल कलर है वो बहुत ब्राइट सा होता है और देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। हैंगिंग के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है, बहुत तेज़ी से ग्रो होता है, लो मेंटेनेंस है, ना इसे बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत है, ना बहुत ज़्यादा लाइट की, ना पानी की, क्योंकि ये जो आप देख रहे होंगे इसकी जो स्टेम है ये थिक है, तो इसमें पानी स्टोरेज होता है, पानी स्टोर रहता है, बहुत ज़्यादा पानी देने की भी ज़रूरत नहीं होती है। और वाइन के फॉर्म में रहता है ये, आप इसे ये शेप में भी रख सकते हैं कटिंग करके थोड़ा, लेकिन हैंगिंग के लिए ये बेस्ट है। ये देखिए, बहुत तेज़ी से फैलता है ये, बहुत तेज़ी से ग्रो होता है। आप इसके जितनी ज़्यादा कटिंग लगाएंगे उतनी सारी कटिंग्स इसकी ग्रो हो जाती है। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए बनाते जाऊँ और शेयर करते जाऊँ। बाय बाय।